बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का चुनावी प्रचार इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें, गुरुग्राम और नागर चौधरी में अमित शाह की रैली होने जा रही है। और जानकारी आपको यहां पर दे दें कि बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रचार करेंगे आज। ये बड़ी जानकारी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का चुनावी प्रचार तेज। नागर चौधरी और गुरुग्राम में अमित शाह की रैली होने जा रही है। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में अमित शाह का प्रचार। तो आपको बता दें कि ढोरका गांव में अमित शाह चुनावी हुंकार भरेंगे। बादशाहपुर से प्रत्याशी राव नरवीर सिंह के लिए मांगेंगे वोट। करीब 11 बजे रैली स्थल पर पहुंचेंगे अमित शाह। आकाश खुराना संवाददाता गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आकाश, बीजेपी के स्टार प्रचारकों का ताबड़तोड़ जो दौरा है हरियाणा का जारी है, और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज चुनावी हुंकार भरने जा रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां वहां पर कर ली गई है? कितना उत्साह कार्यकर्ताओं में, लोगों में देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, बात करें जैसे जैसे मतदान की जो तारीख है वो नजदीक आ रही है, उसी तरीके से जो स्टार प्रचारक हैं वो लगातार धुआंधार प्रचार जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें आज गुरुग्राम में, तो गुरुग्राम के सेक्टर 95 ढोरका गांव के पास जो है आज बादशाहपुर से उम्मीदवार हैं बीजेपी के राव नरवीर, उनके समर्थन में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है रैली को संबोधित करेंगे। और लगातार आज कई स्टार प्रचारक जो है बीजेपी के वो गुरुग्राम में रहेंगे। बात करें उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो गुरुग्राम में रहेंगे, और कई बड़े स्टार जो प्रचारक हैं, कई मंत्री जो हैं वो आज गुरुग्राम में रहेंगे। तो ऐसे में काफी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। और लगातार राव नरवीर कई बार कहते हुए नजर आए हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री जो है उनकी रैली, एक ही रैली जो है वो उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के दौरान कर रहे हैं, और जो रैली वो आज है जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल आकाश, क्योंकि अगर बात यहाँ पर करें तमाम बीजेपी के आला नेताओं की, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आए थे, बीजेपी के फारवर्ड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार रैलियों पर रैली कर रहे हैं, तो बीजेपी की जमीनी तैयारियां तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। लेकिन चुनावी समीकरण अगर धरातल की बात की जाए, जनता के मूड की बात की जाए, तो क्या कुछ समझ पा रहे हैं, क्या कुछ इस बार समीकरण बनते दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, बात करें जिस तरीके से 2024 अभी पीछे हाल ही में लोकसभा के चुनाव हुए, उसके बाद जिस तरीके से प्रदेश का जो माहौल है वो बदला, 5 सीटें बीजेपी ने हासिल की तो 5 कांग्रेस ने, वहीं उसके बाद से लेकिन लगातार जो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं वो लगातार अपने कार्यकर्ताओं में जोश जो है वो भरने का काम कर रहे हैं। हालांकि टिकट बंटवारे के बाद से जरूर नाराजगी जो है वो कई कार्यकर्ताओं में, नेताओं में देखी गई थी, और कईयों ने निर्दलीय चुनाव जो है वो भी लड़ रहे हैं। लेकिन बात करें जिस तरीके से आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो पहुंच रहे हैं, इससे पहले कई स्टार जो प्रचारक हैं वो अपने प्रत्याशियों के लिए जो है रैली को संबोधित कर चुके हैं, जनसभा को संबोधित कर चुके हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज एक अलग जोश जो है वो बादशाहपुर की जनता के बीच देखने को मिल रहा है। क्योंकि राव नरवीर अपने चुनावी प्रचार के दौरान एक ही रैली जो है वो कर रहे हैं, बड़ी रैली जो कि आज गुरुग्राम के सेक्टर 95 ढोलका गांव के पास ये रैली हो रही है, और ऐसे में एक बड़ी हुंकार जो है आज इस रैली से देखने को मिल सकती है। चलिए, आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश खुराना इस तमाम जानकारी के लिए।